नए साल के आगाज के साथ कुछ चीजों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी यानी आपकी जेब पर पड़ेगा। नए साल की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में नया साल जहां लोगों की जिंदगियों में खुशियां ला रहा है, वहीं साल की शुरुआत में ही कुछ चीजों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। लोकसभा चुनाव भी 2024 में ही होने हैं। इसके अलावा सिम कार्ड और जीएसटी को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है। कुल मिलाकर 1 जनवरी से 8 चीजें बदल जाएंगी। इसमें गैस सिलेंडर के दाम से लेकर गाड़ियों की कीमतें तक शामिल है। सबसे पहला यूपीआई डीएक्टिवेट हो जाएंगे, यानी 1 जनवरी से 1 साल से बंद पड़े यूपीआई अकाउंट बंद हो जाएंगे। बैंकों और पेटीएम, फोन पे और गूगल पे जैसे थर्ड पार्टी एप्स भी 1 जनवरी से यूपीआई आईडी इनएक्टिवेट कर देंगे, जिनमें पिछले 1 साल से कोई भी लेन देन नहीं किया गया। दूसरा, सिम कार्ड के नियम बदल दिए जाएंगे। 1 जनवरी से सिम लेने के लिए डिजिटल केवाईसी कराना आपको जरूरी होगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने केवाईसी को बंद कर दिया है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट 1 जनवरी से सिम कार्ड के लिए कागज आधारित यानी केवाईसी को खत्म करने वाला है। तीसरा, सबसे बड़ा नियम गैस सिलेंडर के दाम, यानी हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर के दाम तय किए जाते हैं। ऐसे में साल के पहले दिन आम आदमी को गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है। चौथा, डीमैट अकाउंट नॉमिनी। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें नॉमिनी जरूर जोड़ लें। सेबी ने इसका डेडलाइन 31 दिसंबर से बढ़ाकर 30 जून 2024 कर दी है, यानी कि सेबी ने डीमैट और एमएफ खाता धारकों के लिए नॉमिनी अपडेट करने की समय सीमा अगले साल 30 जून तक बढ़ा दी है। इससे पहले किसी लाभार्थी को नामांकित करने या घोषणा पत्र जमा करके इससे बाहर निकालने की समय सीमा 31 दिसंबर तक थी। पांचवा, पार्सल भेजना भी महंगा हो जाएगा। नए साल की शुरुआत से पार्सल भेजना आपको महंगा पड़ सकता है। पार्सल भेजने पर 7% तक का इजाफा किया गया है। ब्लू डॉट समेत एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स ब्रांडों को ऑपरेट करने वाले डीजीएल ग्रुप ने 1 जनवरी से कीमतों में 7% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। छठा, आईटीआर फाइलिंग। 1 जनवरी से आईटीआर फाइलिंग के लिए जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। 31 दिसंबर को बिलेटेड आईटीआर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है। ऐसे में 1 जनवरी से इस पर जुर्माना लगाया जाएगा। सातवां, आपको गाड़ियां लेना भी महंगा पड़ सकता है। 1 जनवरी से देश की कई बड़ी कार कंपनियों ने गाड़ियों के दाम बढ़ा दिए हैं। लग्जरी गाड़ियों के नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। मुद्रास्फीति के दबाव और कमोडिटी की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण मारुति सुजुकी, हुंडई, ऑडी समेत कई दिग्गजों ने 1 जनवरी से अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की। आठवा, सबसे अंतिम नियम, पासपोर्ट और वीजा के नियम भी चेंज कर दिए हैं। साल 2024 से विदेशों में पढ़ाई कर रहे छात्रों को नौकरी के लिए पढ़ाई समाप्त होने से पहले वीजा अप्लाई करना पड़ेगा, यानी किसी भी देश के छात्र तब तक कार्य वीजा पर स्विच नहीं कर पाएंगे जब तक उनका पाठ्यक्रम पूरा ना हो जाए। तो ऐसे में 8 नए नियम 1 जनवरी से बदल जाएंगे।